नमस्ते, वेलकम टू माय चैनल टैरो डिवाइन लव मी। मैं हूँ शिवांगी, इंडिविजुअल टैरो रीडर। आपके लिए एक्वेरियस पीपल, आपके लिए लेके आई हूँ यहाँ पर अगस्त मंथ की लव रीडिंग। तो गाइज, यहाँ पर हम स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। एंड तक बने रहना है आपको, ठीक है? इसमें आपके ब्लॉकेजेस, स्ट्रेंथ क्या है और फाइनल आउटपुट क्या मिलता है, ये हम ज़रूर देखेंगे। गाइज, ये रीडिंग जो है ये कलेक्टिव रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है। और आपका कार्ड निकला है थ्री ऑफ वॉन्ड्स का। ये कलेक्टिव रीडिंग है, जनरल रीडिंग है। और इससे ना जितना रेजोनेट होता है उतना रखना है, आपसे मैच होता है तो रखिए। उसके आपके लव रिलेशन के आप ब्लॉकेजेस निकाल सकते हो। ओके, यहाँ पर हम पहले कार्ड्स निकाल लें आपके लिए। थैंक यू यूनिवर्स, यहाँ पर सबकी ब्लेसिंग है। वेलकम टू फोर ऑफ वॉन्ड्स। आपके पर्सन की एनर्जी यहाँ पर बहुत अच्छी दिख रही है। नाइन ऑफ सॉर्ड्स, एक्वेरियस पीपल, किस बात की चिंता है आपको? सिक्स ऑफ वॉन्ड्स, पेज ऑफ सॉर्ड्स, द टावर। ओके, बॉटम ऑफ द डेक आया है फाइव ऑफ सॉर्ड्स। यहाँ पर बहुत ही अच्छी कार्ड्स आए हैं यहाँ पर एक्वेरियस पीपल। आई थॉट आपके लव लाइफ से यहाँ पर कुछ नया ढूंढना चाहते हो, न्यू लाइफ, न्यू जर्नी, ऐसा कब्स की एनर्जी, ऐसा कुछ तो भी यहाँ पर आपकी एनर्जी आ रही है। आप बहुत ज़्यादा थॉट्स लेकर बैठे हो, डिप्रेशन में हो, सोच रहे हो कि कैसे जीते लव लाइफ में। ओके, तो यहाँ पर हम देखेंगे टेम्परेंस। आप आपकी लाइफ बैलेंस करना चाहते हो, जजमेंट, द फूल, टू ऑफ कप्स, पेज ऑफ सॉर्ड्स, पेज ऑफ सॉर्ड्स, फिर से सेम एनर्जी आई है। और फोर ऑफ पेंटिकल्स, बॉटम ऑफ द डेक फाइव ऑफ पेंटिकल्स। यहाँ पर एक्वेरियस, बहुत ही ज़्यादा लो एनर्जी में आप मुझे नज़र आ रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा। आपकी एक यहाँ पर साइकिल कंप्लीट हो रही है, ये आप जानते होंगे, शायद ये पास्ट की एनर्जी है। और पास्ट में आपने एक नए राह पर, न्यू लव लाइफ के लिए यहाँ पर आगे बढ़ना चाहते हो आप, ये एनर्जी आ रही है। और आप परमानेंट रिलेशन चाहते हो, जैसे अनकंडीशनल लव, सब कुछ, मीन्स आपके लाइफ लॉन्ग तक जो भी आपका आपके पर्सन रहेंगे वो आपके साथ में यहाँ पर आएंगे, लास्ट तक आएंगे, जो आपको समझेंगे, आपसे प्यार करेंगे, एक अच्छी फैमिली हो, अच्छा ग्रोथ हो, यहाँ पर ये समझ में आ रहा है। यहाँ पर न्यू लव की स्टोरी नज़र आ रही है, न्यू लव यहाँ पर स्टार्ट होने वाला है। ग्रेट, आपका पास्ट की एनर्जी यहाँ पर ख़त्म हो रही है। और जो भी आपके आपके जीवन में जो भी पर्सन आने वाला है ना, वो भी खुशियों का वेट कर रहा है आपके साथ में, और वो ट्राई कर रहा है कि कुछ रिसीव हो उनको, उनको भी जजमेंट, उनके लाइफ में भी यहाँ पर न्यू ओपनिंग, न्यू सब ट्रांसफॉर्मेशन नज़र आ रहा है। वो भी अपनी लाइफ को यहाँ पर चेंज करते हुए नज़र आ रहे हैं आपके पर्सन, न्यू पर्सन। ओके, और दोनों भी एक्चुअली इसकी वजह से एक डिप्रेशन में थे, एक ऐसे मोड पर आप लोग आए हो, वो उनके लाइफ में आए हैं और आप आपके लाइफ में आए हो, यहाँ पर ये एनर्जी आ रही है। और यहाँ पर अपना न्यू स्टार्ट, यहाँ पर पीछे सब कुछ छोड़ के आप न्यू स्टार्ट, न्यू बिगिनिंग करना चाहते हो। वाव, ग्रेट।
आप ना किसी लोगों के बातों में नहीं आना चाहते हो, आप चाहते हो कि आपकी अच्छी लाइफ हो। फोर ऑफ कप्स की एनर्जी आई है, द टावर आया है फिर से, यस, किंग ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी आई है। डेफिनेटली आप लोग ना जो डिप्रेशन में हो, दोनों भी, वो उनके लाइफ में है और आप आपके लाइफ में हो, ठीक है। और आपके पास में यूनिवर्स बोल रहा है कि आपके पास में ना एक कुछ नई उम्मीद है, नया स्टार्ट है, नया जीवन है, नया लव लाइफ है आपके पास। आपके जीवन में कोई तो भी प्यारा बंदा आने वाला है, डिसाइड लव आपको आने वाला है, वो आपको एक बता रहे हैं, शायद नॉक नॉक कर रहे हैं आपके लिए। तो आप ना थोड़ा सा पीछे की पास की एनर्जी यहाँ पर पकड़ के हो, ठीक है। बट आपको ये भी पता है कि आप ये बहुत बड़ा आपके लाइफ में बहुत बड़ा एक शॉकिंग न्यूज़ था ये, कि आपकी आपको नहीं पता था कि ये आपके लाइफ में होगा, क्योंकि आप बहुत यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा प्यारे हो, आप प्यार देना चाहते हो, आपने बहुत बहुत ही मन से आपने किसी को चाहा है और वो आपके लाइफ में से गए हैं। तो ये इसलिए गया है इसलिए कि आपके लाइफ में वो उससे भी बेहतर आपका डिजायर लव था, जिसके लिए ना आपका बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हुआ है आपका। शायद वो टाइम वेस्ट, फाइनेंशियल कंडीशन भी आपकी यहाँ पर थोड़ी सी डाउन हुई थी, ऐसा यहाँ पर नज़र आ रहा है, और उसके वजह से भी आप यहाँ पर डिप्रेस होते हुए नज़र आ रहे हो। बट आप ना आगे एक राइट पाथ चुनने वाले हो, दोनों भी, ओके, न्यू लाइफ के लिए राइट पाथ, और एक अच्छे मैच्योरिटी लेवल के साथ में आप यहाँ पर आगे बढ़ने वाले हो। या और आप दोनों को भी, दोनों की ये स्ट्रेंथ है कि आपके लाइफ में आपको राइट पर्सन और ट्रू लव ज़रूर मिलेगा, ट्रू सोलमेट आपको ज़रूर मिलेगा, ये आपको पता है, और आप उसमें जीतने वाले हो ये भी आपको बहुत अच्छे से पता है, और आप उसके तरफ आगे बढ़ना चाहते हो पेशेंस रख के। बहुत ही वाव, द सन का कार्ड भी आया है, क्वीन ऑफ वांड्स का भी कार्ड आया है। यस, इट्स अ ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल आपके थॉट्स है यहाँ पर, ब्यूटीफुल स्ट्रेंथ है। आप ना आपके उस प्यार के लिए, उसके ऊपर आप फोकस करने वाले हो, आप बहुत ही प्यार से आगे प्रेजेंट होने वाले हो आपके लव लाइफ के लिए, और आप में आप ना बहुत खुशियाँ चाहते हो। ऐसा नहीं कि सिर्फ आपकी पूरी फैमिली खुश रहे, ऐसा भी आप डिसीजन लेने वाले हो, यही आपकी स्ट्रेंथ है, ओके। यहाँ पर ये आपके ये न्यू लाइफ आपके पर्सन भी है ना, मैंने कहा ना उनका भी एक नया स्टार्ट हो रहा है, वो भी सेम स्ट्रेंथ बनाकर आपके पास में आने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पर टू ऑफ कप्स की एनर्जी आई है। दोनों की भी सेम स्ट्रेंथ है, सेम फीलिंग्स है, और सेम चाहते हैं कि आप ट्रू लवर, ट्रू सोलमेट हमें मिले। हमारा जो भी आगे वाला बंदा है या बंदी है, जो भी है, वो हमें बहुत अच्छे से हमें समझने वाला मिलेगी। यस, और विक्ट्री के साथ में आया है, तो डेफिनेटली आपको ज़रूर मिलेगा, ज़रूर मिलेगा। बट यहाँ पर ब्लॉकेजेस ये आ रहे हैं ना कि आप ना जो पास्ट की एनर्जी है उसको थोड़ा सा पकड़ के रख रहे हो, उसके वजह से ना आप नए जो पर्सन आपके लाइफ में आने वाले हैं उनको ना आप उनके मैसेजेस रिसीव नहीं कर पा रहे हो, उनको वेलकम नहीं कर पा रहे हो। यहाँ पर ये एनर्जी है, आप आगे एक स्टेप आगे ले रहे हो पर पीछे देख रहे हो, एक स्टेप आगे ले रहे हो बट पीछे देख रहे हो, तो ये आपके इसमें ब्लॉकेजेस आ रहे हैं। आप खुद ये ट्राई कर रहे हो कि यस, मैं खुद अकेला रहूँगा, अकेली रहूँगी तो मैं ज़्यादा सेफ रहूँगी, क्योंकि मेरे लाइफ में फिर से ये रिपीट ना हो, ऐसा भी कभी कभी आपको डर लग रहा है। तो आप खुद ही यहाँ पर बाउंड्रीज बना रहे हो कि नहीं, मैं मेरे लाइफ में, हमारे लाइफ में हम अच्छे बन जाए, हम अकेले रहे तो यहाँ पर बेहतर रहेगा, कि आपको आपको नहीं लग रहा है कि आपको कोई ट्रस्टवर्थी पर्सन मिलेगा, आपके प्यार को समझेगा, ये खुद के मन को आप बार बार कह रहे हैं। इसलिए लव लाइफ के लिए ना आप अपने डोर ओपन नहीं करते हुए दिख रहे हैं, और आप चाहते हो कि
आपको ना भी जस्टिस मिले, आप उस जस्टिस का वेट कर रहे हो, आपको आपको राइट बैलेंस रहे आपकी लाइफ, जो एग्जैक्ट जैसे आप हो वैसे ही आपके पर्सन आपको मिले। यहाँ पर ये एनर्जी आ रही है और आप फाइनेंस को भी लेकर, यहाँ पर प्रॉपर्टी या फाइनेंस को भी लेकर थोड़ा सा चिंतित है, करियर को भी देख रहे हैं, यहाँ पर ये एनर्जी आ रही है। यहाँ पर बहुत ज़बरदस्त आपके हाई एम्बिशंस है और उस हाई एम्बिशंस के लिए आप ना किसी से अभी झगड़ा नहीं चाहते हो, किसी से फाइट नहीं चाहते हो, आपको लग रहा है कि बहुत सारे कॉम्पिटिटर आपके साथ में हैं, तो उसके वजह से भी आप यहाँ पर लव लाइफ में परेशान नज़र आ रहे हो। ठीक है, आपको ऐसे लगता है कि हम वो आप ना यहाँ पर आगे डेफिनेटली आप ना आगे स्टेबल होकर अपने लव लाइफ में, ठीक है, लव लाइफ में स्टेबिलिटी आने वाली है। और टेम्परर का कार्ड आया है, आप एक्सपीरियंस हो, आप मैं वही कर रही हूँ कि यहाँ पर ना दोनों भी एक मैच्योरिटी लेवल में, मीन्स एक परफेक्ट डिजायर लव के लिए, और हर चीज़ ना बैलेंस करके, क्योंकि यहाँ पर एक्सपीरियंस आ गया है कैसे बात करना है, क्या करना चाहिए, फ्यूचर प्लानिंग कैसे करनी चाहिए, अपना लव लाइफ कैसे होना चाहिए, फैमिली कैसे होने चाहिए, तो ये जो है ना ऑलरेडी आपको पता है। तो आप ना अभी जैसे कहते हैं ना कि मीन्स धीरे धीरे बट बेटर आप आगे बढ़ने वाले हो। ओके, धीरे धीरे स्लो एनर्जी आ रही है बट बेटर बेटर। किंग ऑफ पेंटिकल्स, आप पूरी तरह स्टेबल होना चाहते हो दोनों भी, और फिर एक दूसरे से आप मिलना चाहते हो। यस डेफिनेटली, किंग ऑफ कप्स की भी एनर्जी आई है, आप बेस्ट पर्सन बेस्ट यहाँ पर आप चाहते हो। ठीक है, ये आपकी यहाँ पर एंजाइटी, यहाँ पर डिफ़िकल्टीज यहाँ पर निकल जाती है। आप जो सोच रहे हो कि शायद यहाँ पर ये भी एनर्जी हो सकती है किसी की आप इतना लो एनर्जी में हो, किसी की बात मान रहे हो, किसी को फॉलो कर रहे हो जो कि पर्सन रॉन्ग है, उसको भी आप फॉलो कर रहे हो, उसके वजह से आपका ध्यान आपके लव पार्टनर के तरफ नहीं जा रहा है। बट आपके लव पार्टनर बहुत अच्छे हैं, जो कि यहाँ पर टू ऑफ कप्स की एनर्जी आई है, वो बहुत ही अच्छे हैं, वो आपको समझ लेने वाले हैं। और यहाँ पर ये भी आ रहा है कि आप ना इस लो एनर्जी को जल्दी से निकालो, जितना जल्दी निकाल सकते हो तो निकालो। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके लव लाइफ की समझेगी, और डेफिनेटली आपका नाइन ऑफ पेंटिकल्स ब्राइट फ्यूचर है, आपको बहुत ही सुंदर पर्सन आपके लाइफ में आपको मिलने वाला है। सो डोंट वरी, सेल्फ लव करो, आपको यही मैं यहाँ पर सजेशन दे सकती हूँ कि आपको खुद के ऊपर प्यार करना है और सोचना है कि यस, आप ना यहाँ पर बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में जा चुके हो, आपको ऐसा लग रहा है कि आपको कोई जीवन में कोई अच्छा पर्सन नहीं मिल सकता, बट यहाँ पर यूनिवर्स बता रहे हैं आपको आपका सच्चा प्यार मिल सकता है, ट्रू लव मिल सकता है, और एग्जैक्ट डिजायर लव आपको मिलने वाला है। सो विश्वास रखिए, फेथ रखिए अपने पर, अपने इष्ट देवता के ऊपर, जिनको भी आप मानते हो, यूनिवर्स के ऊपर, ठीक है, और आपको यूनिवर्स, आपके एंजल्स यहाँ पर सपोर्ट करने वाले हैं, बहुत बहुत ज़्यादा सपोर्ट करने वाले हैं। तो गाइस, यहाँ पर बहुत ही सुंदर रीडिंग आई है आपकी, और पॉजिटिव रीडिंग आई है। आपको ना थोड़ा सा खुद के ऊपर इनर वर्क करो, सेल्फ लव करो, थोड़ी सी निगेटिविटी है बस उसको इसमें ख़त्म कर दो। ओके, तो यहाँ पर मैं ये रीडिंग क्लोज करती हूँ। आई होप आपको रीडिंग अच्छी लगी होगी। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं न्यू टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए केयर कीजिए, खुद से प्यार कीजिए, बड़ी सी स्माइल दे दीजिए, क्योंकि बहुत ही फ्यूचर प्यारा है, जो गया सो गया, आगे आपके लिए बहुत परफेक्ट जोड़ी रब ने बनाई है, जोड़ी उस टाइप में यहाँ पर फील हो रहा है। ठीक है, तो आपकी आपके यहाँ पर पर्सन यहाँ पर आने वाले हैं, बहुत खुशी से है वो, और आपका भी वो वेट कर रहे हैं, तो उनको वेलकम कीजिए। नए न्यू वीडियो में मिलते हैं नए टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड नमस्ते।